संडे लंचन रागी चिकन सर्व विद व्हाइट राइस। हमारे वहाँ इसे मड़वा के अखाड़े बोलते हैं या कलंग बोल सकते हैं, जो हमारा आई थिंक हॉर्स ग्राम मिलेट है, जिस जो एक मिलेट फ्लावर है, सो ग्लूटेन नहीं है और ड्राई फ्लावर है, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर विंटर्स। विंटर्स पे मोस्टली बॉडी की इसकी तासीर गर्म होती है, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए वी यूज़ इट। हम मतलब बहुत शौक से इसे खाते हैं। घी में आपको मैंने तो तिमूर ऐड किया है, जो कि सिचुआन पेपर है। आप अपने हिसाब से ब्लैक पेपर एंड लौंग डाल सकते हैं। घी पे हल्का सा रोस्ट करना है, देन हम अपना रागी फ्लावर डालेंगे विच इज़ वेरी थिक, सो आई थिंक सिर्फ 2 से 3 चम्मच 1 पर्सन के लिए इज इनफ। यू नीड टू ड्राई रोस्ट इट, घी रोस्ट प्रॉपर, जब तक कि वो अपना कलर ब्राउन ना कर दे, वी हैव टू घी रोस्ट इट। तो एक जने के लिए आई थिंक डजंट टेक दैट मच टाइम, बट इफ यू आर मेकिंग इट फॉर अ फैमिली, आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। हाउ टू कुक इट, यू हैव टू कंटिन्यूसली स्टर इट, इसे चलाते रहे, नीचे ना लगे, जब तक इसमें वो डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आप इसे रोस्ट करेंगे। मसालों में सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी, आपकी चॉइस है गरम मसाले की, यू कैन ऐड इट अपने स्वाद के अनुसार राइट नाउ, एंड या वाटर, वाटर थोड़ा सा 2 से 3 कप ज़्यादा डाला जाता है ताकि वो पकता है। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालती हूँ अपने टेस्ट के लिए, बट इट्स अप टू यू। तो पानी के बाद आपको इसमें लंप ना बने, इसलिए हमें इसे अच्छे से चलाना है, घोटते रहना है, नीचे नहीं लगना चाहिए और लंप नहीं बनने चाहिए। जब तक आप इसे घोटेंगे और जितना आप इसे घोटेंगे उतना फ्लेवर में टेस्ट इन्हेंस होगा। यहाँ पे मैं अपना, क्योंकि मैं अपने होम टाउन का और जो मैं अपने घर का बना रही हूँ रेसिपी, तो हम इसमें फ़ैट ऐड करते हैं। इसकी स्पेशलिटी ही ये फ़ैट है, लैम्ब फैट है, ये मैंने स्पेशली अपने घर से मंगवाया है और मैं इसे अपने कुछ पहाड़ी खानों में ऐड करती हूँ। फैट जो प्योर होता है वो खाने में सारे फ्लेवर्स को बाइंड कर देता है और इन्हेंस कर देता है। सो ऑयल और घी जो फ्लेवर नहीं इन्हेंस करते, वो आपका एनिमल फैट इन्हेंस करता है। इस मोमेंट पे आप अपना नमक चेक कर सकते हैं और सिट्रस इसमें ऐड होता है। मैंने अपनी रेसिपी में माल्टा, मेरे पास फ्रेश माल्टे रखे हैं, मैंने हाफ अ माल्टा इसमें स्क्वीज़ करके डाला है। आप एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हो, नॉर्मल विनेगर डाल सकते हो या नींबू का जूस, लेकिन नींबू खाने से पहले, नींबू पे आप पकाते नहीं हो, तो कोई भी सिट्रस एलिमेंट आपको पकाना है विदाउट नींबू तो वही विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, या फिर मेरी तरह फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो। ये इतना टेस्ट रिफ्रेशिंग कर देता है ना, ये मैंने पहली बार ट्राई किया एंड मैं अब यही यूज़ करूँगी। नेक्स्ट आइटम है, एक बॉयल के बाद प्रोटीन ऐड करना है। वी यूजुअली कैन ऐड चिकन, फिश, मीट बॉल्स, बट आई लव चिकन इन नट्स, जो गिज़र्ड है, हार्ट है और लिवर है, ये इनमें बहुत फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन नॉर्मल कट से ज़्यादा होता है। आई डोंट नो, बहुत से लोग ने कभी जीवन में भी इसे नहीं खाया होगा, बट वी ईट इट, हमारे वहाँ ये बनता है और या आई लव इट, आई लव ईटिंग दीज प्रोटीन्स। आपका ब्रॉथ अब आई थिंक 25 मिनट्स के लिए बॉयल करना है, चलाते रहना है, नीचे नहीं लगना चाहिए, और जब तक आपका खाना बन रहा है मैं सफाई करती हूँ। एनीवे, ब्रॉथ को चलाते रहना है जब तक कि ब्रॉथ में ये एक फ्लावर वाली फ्लेवर चला जाए ना, वो जो आटे का फ्लेवर आता है। और आज संडे है तो मुझे तो बहुत काम है, फुल घर की सफाई करनी है। ब्लूमी सा वेदर है, इट्स वेरी सुपर विंटरी, लास्ट विंटर, विंटर भी जा ही रहा है, और मेरे पेट रैबिट जो कि ठूस रहे हैं खाना। चीटी, हेलो चीटी सर, इंटरव्यू, ओ चीटी,
कि क्रीमी लेयर जो अगर आ गई तो समझ लीजिए आपका मड़वे का सूप या अखाड़ी तैयार है। एंड टेम्परिंग के लिए ना सिंपल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या घी, आपकी चॉइस है। बिकॉज मैंने घी काफ़ी यूज़ कर लिया है सो आई एम यूजिंग ऑयल, और वैसे भी आई हैव दिस ऑयल लास्ट पकौड़ों का तो मैंने वो यूज़ किया है। उसमें तिमूर मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आप क्यूमिन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरा बेटर रहेगा, और थोड़े से चॉप गार्लिक। देन आपकी टेम्परिंग रेडी, तड़का या बघार बोल सकते हैं जिसे हम, उसे हम टेम्परिंग बोलते हैं। आई एम सो हंग्री, सो सिंपल और हम्बल रॉ अनियन तिमूर दुलचा और चावल के साथ मैं इसे खाऊंगी। नॉर्मल सूप की तरह भी आप इसे खा सकते हैं, बट मुझे इसे मोस्टली ये सूप की तरह ही कंज्यूम होता है, बट आई लव ईटिंग इट विद राइस, सो आई एम गोना ईट इट विद राइस। एंड तिमूर दुलचा जिसकी रेसिपी एक्चुअली मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड की है, ये भी एक पहाड़ी चटनी है लाल मिर्च की, इसमें एक स्पाइस है जो पहाड़ी है, तो वो रेसिपी भी आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग, ओह नाइस, मुझे तो बहुत भूख लग गई है, आई कांट वेट नाउ एंड आई एम रेडी टू ईट। लेकिन बिना घी के कोई फ़ायदा नहीं है, एक बड़ा चम्मच घी, इट्स रेडी। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, जस्ट शेयर योर कॉमेंट्स, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई करो, इट्स वेरी नाइस विंट्री मील। See you next time.